हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता, आपकी गार्डनर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज देखिए आपसे अपने इस एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट कोलियस के बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके लीफ कितने खूबसूरत लगते हैं और ये टाइम परफेक्ट है। आप अपने प्लांट्स को, आप इनकी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं, एक प्लांट से अपने प्लांट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स इससे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है आपका ऐसा प्लांट है कि ये आप एक हिसाब से परमानेंट कह सकते हैं इस प्लांट को। और ये देखिए, मैं नर्सरी से कितना छोटी सी पौध मैंने ला के लगाया था और ये कुछ देखिए करीब एक महीने के अंदर मेरे प्लांट ने अपनी कितनी अच्छी ग्रोथ कर ली। और इसको फ्रेंड्स मैंने कोई बहुत बड़ा पॉट भी नहीं दिया है, ये मेरा 6 इंच का मिट्टी का गमला है जो कि मैंने अपने प्लांट को दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इसको एक प्लांट से बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर आप कटिंग लगाना चाहें, इसकी अगर मैं यहाँ से एक कटिंग कट करके लगा दूंगी, और इनफैक्ट फ्रेंड्स मैं लगा ही लेती हूँ इसकी एक और कटिंग, जिससे कि मेरे पास 2 हो जाए। और ये बहुत सारे कलर्स वैरायटी आते हैं, इनके कलर्स में वेरिएशन इतना ज़्यादा होता है, इतने ज़्यादा कलर के इनके प्लांट आते हैं, ग्रीन पे रेड, फिर ये वाला मरून कलर, ब्राउन, बहुत सारे कलर्स आते हैं फ्रेंड्स। और ये इतना खूबसूरत लगता है। और अब जैसे जैसे विंटर से स्टार्ट हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये अगर आप किसी पॉट में लगाएं, इतना प्यारा सा एक ट्री नुमा लगता है। तो आपको इसको ज़रूर लगाना चाहिए अपने पास। और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई ख़ास इसमें केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसके साथ आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना होता है कि जब आप अपने इस प्लांट को लगा रहे हैं तो इसकी जो ये सॉइल है, ये वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। मतलब अपने अंदर इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। ऐसी मिट्टी बनाइए, धूप बहुत तेज़ आ गई फ्रेंड्स। देखिए अभी कितनी बदली थी और सडनली कितनी तेज़ धूप आ गई। तो फ्रेंड्स मैं छाया में आ गई हूँ। देखिए, हाँ मैं बात कर रही थी कि अगर आप ये लगा रहे हैं तो ये कोई बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं है या बहुत ज़्यादा कोई ख़ास देखभाल करने की ज़रूरत नहीं। इसको आप लगा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको आपकी सॉइल वेल ड्रेन रखना होगा। कोई बहुत है ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है फ्रेंड्स, कम देखभाल में चलने वाला अच्छा प्लांट है। और बहुत इसको सनलाइट, अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स इसको सनलाइट ऐसी चाहिए कि बस 3 से 4 घंटे की ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसमें 3 से 4 घंटे की सनलाइट हो। और ये देखिए, मैंने लगाया था, बहुत छोटा था मेरा ये प्लांट। बस फ्रेंड्स, इसको गर्मी में मई जून में बचा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए ये वैसे भी पत्ते वाला प्लांट है, इसके लीफ में ऑलरेडी वाटर स्टोर रहता है। तो जब बहुत तेज़ गर्म पड़ता है मई जून में, तो फ्रेंड्स इस प्लांट को बचा पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे शेड है, जहाँ पे धूप नहीं आती, और आपके पास बड़े बड़े प्लांट हैं, अगर आप उनके नीचे रखते हैं तो फिर भी एक बार चांसेस होता है कि ये इजिली बच जाता है। बट हम लोग के यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है फ्रेंड्स। मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ तो मुझे फिर ऐसा कुछ ऐसी प्लेस मिलती नहीं कि जहाँ मैं इनको रख सकूँ। और ये देखिए, जो ये वीड्स वगैरह है ना, तो ये आप हटा दिया करिए। तो फ्रेंड्स मैं इसको हर साल ही खरीद के लगाती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, इसको फर्टिलाइज़र में आप क्या देंगे, कोई बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं, इसको बस आप हल्का फुल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। जैसे 15 दिन में एक बार आप अपने अपने प्लांट को दे दिया, वो जो हम लोग कंपोस्ट टी बनाते हैं ना, गोबर की खाद को भिगा के उससे, तो वो आप इसमें दे दीजिए। और 15 डेज में एक बार फ्रेंड्स, आज मैं इसमें फीड करूँगी ये आपका क्या बोलते हैं सीवीड फर्टिलाइज़र, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, और 15 दिन में एक बार अपने प्लांट को आप इस तरह से सीवीड का लिक्विड दे सकते हैं। ये बहुत कम क्वांटिटी में देना होता है, जिसे देखिए 1 लीटर वाटर है। तो फ्रेंड्स बस मैं इसमें 3 से 4 ड्रॉप लूँगी, क्योंकि बहुत हार्ड फर्टिलाइज़र होता है और बहुत ज़्यादा आपके प्लांट को फीड नहीं करना होता है। बस इस तरह से लेने के बाद इसको बस हल्के से ऐसे चला लूँगी, और इसका बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। अगर मेरा पॉट बड़ा होता तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में देती, मेरा पॉट बहुत छोटा है तो बहुत थोड़ा ही दूंगी फ्रेंड्स।
बारिश की वजह से काफ़ी कुछ फीड नहीं कर पा रहे हैं अपने प्लांट को, तो इस तरह से थोड़ा दे दिए। और ये आपका बुशी कैसा बनेगा, अगर आपको इसको बुशी बनाना है तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको ये करना होगा कि इसकी पिंचिंग, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ऊपर से इसकी टिप को ऐसे पिंच कर दीजिए, तो फिर यहाँ से 3 या 4 ब्रांच ऐसे आने लगेगी हर एक जगह से। अब जैसे देखिए मैंने इसको नीचे से वो किया था, तो यहाँ से ही 3-4 ब्रांच, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको ऐसे पकड़ के ये तोड़ दिया, तो अब यहाँ से फिर ये 3 या 4 ब्रांच निकालेगा तो आपका प्लांट ऑलरेडी बुशी होता जाएगा। और अब बात करती हूँ कटिंग्स की, इसकी इतनी बड़ी कटिंग भी लग जाती है और वो मैं आपको अभी लगा के भी दिखाती हूँ, और नेक्स्ट इसका फिर जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। फ्रेंड्स इसकी बस ये इस तरह से आप ऐसे इसकी इस तरह से मैंने ऐसे इसके जो भी लीफ वगैरह थी इनको कट कर लिया है, और सिंपली कुछ नहीं करना, जिसमें मेरी रोज़ हो उसकी कटिंग लगी है ना फ्रेंड्स, मैं इसको उसी जगह पे लगा दूंगी। बस मैं इसकी एक अलग से, ये देखिए ये पूरी मैंने लीफ निकाल दी है, बस एक ही इसकी लीफ मैंने रखा, और दिखाती हूँ आपको कैसे लगाना है। मसला ये भी है ना फ्रेंड्स कि ये रोज़ हो उसकी कटिंग हिलना नहीं चाहिए, अगर एक बार हिल गई तो गई कटिंग। ये देखिए इस तरह से होल्ड किया और बस सिंपली इस एक पीस को इसके अंदर मैंने इससे दबा दिया, बस ऐसे मिट्टी बराबर कर दी। अब वाटरिंग इस मिट्टी में तभी करना है जब ये मिट्टी सूख जाए, गीली मिट्टी में बार बार पानी नहीं देना। तो इससे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये बहुत इजीली चल जाएगी, एक हफ्ते के अंदर ये आराम से चल जाएगी। और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देती हूँ कि इस पर डायरेक्ट धूप ना पड़ने पाए, बस इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप लोग भी लगाते हैं तो बहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है और आपके विंटर्स में आपके गार्डन को एक बहुत ही सुंदर लुक देता है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर। ओके फ्रेंड्स, बाय।